सिखाने ना, बोलने बोलना है। जब मैं बोलूंगा उसका जवाब देना है, और ज्यादा फालतू तो आगे तो कहीं बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो आप शादी करोगे ना तीनों? थोड़ा तेज बोलो। अरे ठेकड़ा ठेक के थोड़ी पढ़ना आएंगे। बोलो शादी करोगे? ठीक है, तो आपको बता दें हमारे पास तीन लड़कियां हैं, एक लड़की गोरी है, एक लड़की काली है और एक लड़की गंजी है। अब आप तीनों को डिसाइड करके बताना है कि काले से शादी कौन करेगा, गोरी से शादी कौन करेगा और गंजी से शादी कौन करेगा। पहले आप बताओ, आप शादी किससे करोगे? गोरी से। वाह। और आप? गोरी। और आप? गोरी। अरे तेज बोलो। गोरी। गोरी या घोड़ी? गोरी। गोरी। फिर वो गंजी और काली का क्या होगा यार, ये तो गड़बड़ी हो रही है। एक बार और बता दो किससे करोगे? गोरी। आप? गोरी। आप? गोरी। काली। बताओ यार, तो गड़बड़ी कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, एक सवाल आएगा, ठीक है ना, जो सही बोलेगा उसे गोरी मिल जाएगी, जो थोड़ोक मतलब जो फर्स्ट आएगा उसे गोरी, जो सेकंड आएगा उसे काली, और जो थर्ड आएगा उसे सफासट मतलब गंजी, इनका लट्टा वट्टा कहीं को नहीं। तो पहले आपकी बारी, उधर माए वहां कैमरे में भी देखना है नहीं, बात दिल्ली तक जाएगा। पहले आपको बता, आपने पापड़ खाए? हाँ। पापड़ का नाम क्या है? पापड़। आप बताओ पापड़ का क्या नाम है? कच्चा पापड़। कच्चा पापड़। आप बताओ पापड़ का क्या नाम है? पापड़। तो सही बात है, पापड़ का पापड़ी नाम। आपको बोलना है 11 बार, ऐसे बोलना है, कच्चे पापड़ पक्के पापड़, 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 कच्चे पापड़ पक्के पापड़। बोलो कच्चे पापड़ पक्का। थोड़ा तेज बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अरे अगर अच्छा नहीं बोलेगा तो फिर गंजी मिलेगी, देख फिर मुझे मत बोलना। चलो बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का। क्या कह रहा, कच्चे पापा पक्के पापा। चलो आप बोलो। कच्चे पापड़ पक्के पापड़ कच्चे पापड़ पक्के पापड़। थोड़ा तेज बोलना है, फटाफट बोलना है, स्पीड। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक है ठीक है, ये जरूर बोलेगा। चलो सर आप बोलो, और थोड़ी वॉल्यूम तेज रखना पड़े नहीं। बोलो कच्चा पापड़ पक्का पकड़। कोई बात नहीं, आप अच्छे से है नहीं, ऐसे बोलना है, कच्चे पापड़ पक्के पापड़ 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 कच्चे पापड़। ये क्या है? एक बार और बोलो। कच्चे पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अरे ये क्या है? बहुत अच्छा, एक बार और। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ ऐ पापड़ कच्चा। वाह वाह यार, मजा आई आज तो। एक बार यार तेरी चाहत है, देख एक बार और। इन दोनों को तो कोई पूछ ही नहीं रहे, देखो एक बार और, बहुत अच्छा बोल रहा है। सीधे खड़े रहो, डोलना चलना नहीं, उधर उधर देखो, वो कैमरा लग रहा है सामने। चलो बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो चला जा, मैं यहाँ बिजी हूँ।
इसे गोरे मिले कि मुझे जानते घूम में थे मुड़ की तरफ मत देखते तू तो आई देख मेरी तरफ हाँ देख कर दूसरा सवाल आ रहा है भाई अभी तक इसमें तो वो जीत रहा है थोड़ा थोड़ा तो भी जीत रहे टेंशन मत ठीक है हाँ ठीक है तो आपको ऐसे बोलना है बहुत सरल सवाल है सिर्फ दो अक्षर का अड़गम बड़गम तो ऐसे बोलना है अड़गम बड़गम 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 बोलो अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम अरे माइक में जाएगा तो पाछे मत जा आगे रे हां बोल अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम आवाज नहीं आ रही तेज बोल अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम अड़गम अड़गम चलो आप बोलो अड़गम बड़गम अड़गम बड़गम मुझे लग रहा है कि गंजी मिलेगी चलो एक बार और कोशिश कर लो ये बोलेगा सही वाह चलो आप बोलो ऐसे बोलना है अड़गम बड़गम 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 मजा मार देते एक बार और अड़गम बड़गम अड़गम बगड़म बहुत बढ़िया तो भाई अब आपको बता दें इनमें से इसे मिलेगी गोरी इसे मिलेगी काली और इसे मिलेगी गंजी लेकिन अभी एक चांस और है जो आप लोगों ने याद भी कर रखा होगा मैं मुर्गा तू मुर्गी मैं मुर्गा तू मुर्गी मैं मुर्गा तू मुर्गी आप सभी लोगों ने याद कर रखा और सभी आप चाहती भी होंगे एक बार मैं ये बोलवाऊं तो पहले आपका नंबर आप बोलो ये खुश हो गया क्योंकि इसे याद है देखो इसके चेहरे पे देखो स्माइल चलो बोलो मैं मुर्गा तू मुर्गी 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 ठीक ठीक मैं मुर्गा तू मुर्गी ठीक चलो आप बोलो मैं मुर्गा तू मुर्गी 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 चलो आप बोलो मैं मुर्गा तू मुर्गी तेज बोलना है फिर क्या है तू बोलेगा तू ही सुनेगा हम तो सब तो सुनेंगे तेज वॉल्यूम बढ़ा अंदर की आवाज कर थोड़ी मैं मुर्गा तू मुर्गी 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 मैं मुर्गा हाँ ठीक है लेकिन इसे मिलेगी गोरी और इसे मिलेगी भाई को काली और राजा इंद्रजीत देवराज इनको मिलेगी गंजी हनी टेंशन नहीं लेनी गंजी को तो खर्चो भी नहीं रहे क्योंकि मेकअप सेकअप को कोई खर्चो ही को नहीं है तो दूल्हे तैयार हो गए ले रुमाल लाना भाई रुमाल पहुंचा है तीन रुमाल एक तो इसे कलाकार के पास है दो और पहुंचा है आप कभी किसी की शादी में गए हाँ। किसकी शादी में गए थे पापा की बहुत बढ़िया ये भाई साहब इनके पापा की शादी में गए थे ठीक भोजन में क्या क्या बनाया था मतलब खाने में क्या क्या था अभी अपन किसी की शादी में जाते हैं तो क्या खाते हैं वहाँ पर सब्जी पूड़ी सेव चक्की गुलाब जामुन रसगुल्ला रसगुल्ले भी खिलाते हैं अभी आप क्या खाओगे आपको क्या पसंद है रसगुल्ला या गुलाब जामुन रसगुल्ला ठीक है आपको रसगुल्ले खिलाएंगे अभी ठीक है आप बताओ आप कभी किसी की शादी में गए अरे पहले पूछ रहा हूँ मैं आप कभी किसी की शादी में गए हाँ किसकी शादी में गए थे तो बताओ क्या क्या बनाया था पूड़ी सेव सब्जी चक्की गुलाब जामुन रसगुल्ला मिठाई अभी आप क्या खाओगे
रसगुल्ला मतलब वो कुएं में गिरेगा तो अपन भी गिर जाएंगे, है ना? वो कह रहा है, तू इधर कह रहा है भाई का ये रसगुल्ला खाका और ये भाई साहब तो कहेंगे अलग ही खा गए। तो आप बताओ, आप कभी किसी की शादी में गए? हाँ। किसकी शादी में गए थे? दादाजी। वाह भाई वाह। वो पापा की शादी में गए थे, ये मम्मी की शादी में गए थे और ये दादाजी की शादी में गए थे। तो बताओ भोजन में क्या क्या बनाया था? नुक्ते पूड़ी, शाहू चक्की, सब्जी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। सही है, बोला इसने सही है। तो सब कुछ बनाया था, अभी आप क्या खाओगे? गुलाब जामुन। ठीक ठीक, ये दो रसगुल्ले खाएंगे, तुम गुलाब जामुन खाओगे और अभी इनको मैं जादू से गुलाब जामुन खिलाऊंगा। दूल्हे तैयार हो गए, लो इनके बांधो वो क्या बोलते हैं, मोड़ बांधो, मोड़ है ना। और आप लोग अपना जो ये पजामा है इसकी जेब में हाथ डाल लो। हाँ डाल लो हाथ, अगर चेन खुली तो खोलो इसे और डाल लो जेब में हाथ। इसका भी एक रीजन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ जिसके सर पे ऐसे बोला जाएगा ना उसे माइक में फूंक मारनी है, ठीक है? फूंक मारो माइक में तेज, वाह। आप मारो एक बार और, हाँ। आप फूंक मारो एक बार और, हाँ। इसके गुलाब वो क्या बोले, रसगुल्ले जल्दी बनेंगे। तो तीनों दूल्हे तैयार हो गए, इनको भी रसगुल्ला खिलाएंगे और हाँ ये कितनी उंगलियां है? ये हाँ ठीक, समझ गया मैं आपकी भावना। भाई साहब ये कितने उंगलियां है? तुम्हें दिख रहा है क्या? तो ये कितनी उंगलियां है? एक। हाँ इसे दिख रहा है एक गोंग। ये हाथ इसलिए जेब में डलवाएं कि आप जेब से हाथ बाहर मत निकालना। अगर आपने जेब से हाथ बाहर निकाला तो पीछे जो ये भटकिया खड़ा है आपकी पैंट नीचे खींच देगा। तो इसलिए आपके जेब में हाथ डालें कि आप अपने पजामे को पकड़ के रखें ताकि ये भटकते आत्मा गड़बड़ी नहीं करे, ठीक है? और भटकते आत्मा जो जेब से हाथ बाहर निकालेगा आपको उसी की पैंट खींचनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे की पैंट खींच दो, है ना? तो भाई साहब क्या खाओगे आप? गुलाब जामुन। ठीक ठीक, और आप क्या खाओगे? रसगुल्ला। रसगुल्ले। और बाहर से आप लोग बिल्कुल ना बोले। तो चलो आप पांच बार माइक में फूंक मार दो, आपके रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। कहीं मां कभी नहीं उड़ी जाओ, थोड़ा तेज और तेज। रुको यार, पहले दूसरे का नंबर लेता हूं। चलो आप मारो, जो तेज फूंक मारेगा जो तेज फूंक मारेगा उसके जल्दी बढ़ जाएंगे। चलो आप मारो और जोर, बस रुक जाओ। चलो आप मारो फूंक तेज और तेज। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करो, अब आपके गुलाब जामुन तैयार हो गए भाई। मान लो बस बाहर से बिल्कुल नहीं बोले आप लोग। चलो आप फूंक मारो, अरे तेज, बहुत बढ़िया, और तेज, थोड़ा तेज और तेज। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद में बनाएंगे, पहले भाई की बनाता हूँ। चलो आप फूंक मारो तेज, थोड़ा और तेज, बहुत बढ़िया, और तेज। बस ऐसे ही रहना, ले एक काम करो, पहले भाई की बनाते हैं, इन दोनों के बाद में बनाएंगे। पहले वो क्या भाई, गुलाब जामुन खाएगा भाई। क्या खाओगे आप? गुलाब जामुन। बहुत बढ़िया, मीठे या फीके? मीठे। आए आए मुंडा में पानिया वाला, मीठे गुलाब जामुन खाओगे। चलो फूंक मारो, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज। तो भाई दूल्हे तो तैयार हो गए, देखो मेकअप सेकअप भी हो गया इनका, इन्होंने रसगुल्ले भी खा लिए और अब है ना
ये तीनों एक दूसरे की शादी में तैयार हो गए भाई, एक दूसरे की शादी में डांस करेंगे फिर। तो आप लोगों को अपने जेब से हाथ बाहर निकाल लो, ठीक है? ये हाँ नहीं भटके नहीं, कैसे गए भटके के मोहने मोने के जादू, हाथ नीचे रखना है साफ, कुछ नहीं करना है। ये जो भी साफ करना है ये मैं खुद करूंगा, है ना? समझ रहे ना मेरी बात को? जुबान मत फेरना, कहीं आप होठ पे जुबान फेर के सब साफ कर लो तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये केमिकल है। ये आप लोगों को नहीं पता, ये हमें पता और पब्लिक को पता है क्या हो रहा है, ठीक है? तो आप जुबान उबान मत फेरना, ये केमिकल है। और अब आप तीनों को एक एक दूसरे की शादी में डांस करना है ना? हाथ ऐसे ऊपर कर लो ऐसे, और गोल गोल घूम के आपको यहीं पे डांस करना है, ठीक है ना? तो इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं आप लोग जोरदार। और दूल्हे एकदम तैयार हो गए हैं, अभी ये डांस करेंगे एक दूसरे की शादी में। इधर आजा भटकते आत्मा, के तू भी नाचेगा? हाँ तो आपको गोल गोल घूम के नाचना है ना? चलो नैतिक दांगे की तरफ से पहुंच चुका है। हाँ नाचो नाचो, हाथ साफ मत करो, मुंडो साफ मत करो, चलो दो रुमाल खोलूंगा, फिर अपने हाथों से तुम्हारे चेहरे साफ करूंगा, और फिर उसके बाद तुम्हें आंखें खोलनी है। उससे पहले तुम आंखें मत खोलना, ठीक है? नहीं अगर तुमने उससे पहले आंखें खोली और आवाज की कहीं भी हो, कहीं नहीं भी हो, उससे पहले आंखें खोली और ये केमिकल तुम्हारी आंखों में गिर गया तो समझ लेना दिवाली के दिन आंखा फूटी जाएगा। तो है ना, अब है ना तुम आंखें बंद कर लो, ठीक? ले भटके हम इधर, आंखें बंद कर लो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप आंखें मत खोलना, नहीं कि फिर अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो मुझे मत कहना कि गब्बर सिंह क्या कर दिया। आंखें टाइट, बिल्कुल आंखें मत खोलना भाई। देखो हम चेहरा साफ करेंगे तुम्हारा आराम से, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। हाँ शुभम टाइट, एकदम फुल टाइट, फुल टाइट रखनी है।
और मैं तीन बोलूंगा तब आपको आंखें खोल कर एक दूसरे का चेहरा भी देखना है। एक दो तीन आंखें खोलो।